नहीं, हम फर्स्ट बार जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और बाबा हमको एकदम पहुँच पहुँचा रहे हैं। नहीं नहीं, हम पहली बार आए हैं। कैसा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा। पहली बार गंगा घाट पहली बार देखी, आस्था है इसीलिए आए हैं, वही बुलाए हैं, नहीं तो सोचे ही नहीं थे हम यहाँ आएंगे। मैं भी आसाम से आई हूँ, फर्स्ट टाइम ही आई हूँ और पैदल यात्रा कर रही हूँ। बहुत, मैं तो अपना और अपना परिवार को बाबा का ऊपर समर्पित कर चुका हूँ। 20 साल 21 साल से बाबा का गौर चढ़ाते हैं तो बाबा अपनी मांगे दे रहे हैं। बाबा को मांगना क्या है, अरे माँ बाप से मांगना थोड़ी पड़ता है, माँ बाप को नहीं दिखता है क्या? सावन का पहला दिन है और झमाझम बारिश के बाद और सुल्तानगंज के अजगबीनाथ गंगा तट पर आपको हम सीधी तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। श्रद्धालु गंगा स्नान करने के बाद कांवर में गंगा जल भरकर बाबा बैजनाथ को जलाभिषेक करने के लिए रवाना हो रहे हैं। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से गंगा तट पर अभी बूंदा बूंदी बारिश हो रही है, उसके बाद किस तरह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। कुछ श्रद्धालु हैं, हम उनसे बात करेंगे। बम जी कहाँ से आए हैं? गुवाहाटी से। गुवाहाटी से। सावन का पहला दिन है। पहला दिन बाबा बैजनाथ को जलाभिषेक करने के लिए रवाना हो रहे हैं। बाबा से क्या? बाबा से सब सुख शांति में रहे, वो ही अरदास। इसके पहले भी आप यहाँ आए थे? पहले आया मैं, अभी पैदल फर्स्ट बार आया हूँ। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है मतलब? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसके पहले भी आप गए पैदल? नहीं, हम फर्स्ट बार जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और बाबा हमको एकदम पहुँच पहुँचा रहे, पहुँचवा देंगे अपने स्थान में। इतना विश्वास है? विश्वास पर है। और कुछ बम है उनसे बात करेंगे और जाने। बम आप कहाँ से आए? मैं आसाम से। आसाम से यहाँ पहली बार आए कि पहले भी गए? पहली बार आया हूँ। किस तरह की व्यवस्था देते हैं? अच्छी है व्यवस्था, अच्छा अच्छा लगा के, अच्छा लगा, व्यवस्था भी अच्छा है, सब कुछ ठीक है। आज सावन का पहला दिन है, भोलेनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं, क्या मांगेंगे बाबा? मांगने को क्या है, सब कुछ मांगना है, जो है जो तो मांगना ही है, तो क्या है, अपना जो इच्छा से आए वो तो होना ही है। माता बम है, माता बम। आप इसके पहले भी पैदल गए? नहीं नहीं, हम पहली बार आए हैं। सुल्तानगंज पहुँच के कैसा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा, हम पहली बार गंगा घाट पहली बार देखे हैं। कितने दिनों में आपकी यात्रा पूरी होगी? अब देखिए, सोच कर तो 4 दिन का आए हैं, 5वें दिन कांवड़ चढ़ा देंगे, अब भोलेनाथ क्या करते हैं। बाबा पर कितनी आस्था है? आस्था है इसीलिए आए हैं, वही बुलाए हैं, नहीं तो सोचे ही नहीं थे हम यहाँ आएंगे बोल के। यहाँ आकर अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया। और मतलब हम, आप भी असम से आए? मैं भी असम से आई हूँ, फर्स्ट टाइम ही आई हूँ और पैदल यात्रा कर रही हूँ। यात्रा कैसे पूरी होगी? ये 4 दिन में होगी, 5 पड़ाव है हम लोग के, ये फर्स्ट पड़ाव है। बाबा पर कितनी आस्था है? बहुत, मेरे को बहुत है, इसलिए आए हैं। आप पहले पैदल गए हैं? नहीं, पहले आए हैं, पहले भी आ चुके हैं। बदलाव हुआ है यहाँ? बहुत बदलाव, मतलब अभी ऐसा हो गया ना कि अभी जैसे वापस जाएंगे उसके बाद में कब फिर दोबारा सावन महीना आए, कब जाए, ऐसा लगता है। और स्पेशली मैं बिहार और झारखंड सरकार का मैं मतलब शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा व्यवस्था है कि हम लोग अभी बाहर का लोग जो है ना, कोई टेंशन नहीं है। बाबा पर कितना विश्वास? बहुत बहुत, मैं तो अपना और अपना परिवार को बाबा का ऊपर समर्पित कर चुका हूँ, बस हर साल आना है, बस आ रहा हूँ। राह आसान होगा? राह अगर बाबा का हाथ में तो क्यों नहीं होगा, बाबा पर भरोसा है, 100% है सबका, एकदम चिंता मत कीजिए, सब बाबा ले जाएंगे अच्छा तरह से, एकदम सब ले जाएंगे। एकदम से क्या मांगिएगा? मांगना क्या है, बाबा अपने देता है, मांगना क्या है, बाबा देते रहेगा अपने आप। मांगना जी, क्या क्या बोल रहे हैं? बिन मांगे ही बाबा दे रहा है। 20 साल 21 साल से बाबा का गौर चढ़ाते हैं तो बाबा बिन मांगे ही दे रहा है। बाबा को मांगना क्या है, अरे माँ बाप से मांगना थोड़ी पड़ता है, माँ बाप को नहीं दिखता है क्या? तो इस तरह हमारे साथ असम से आए हुए श्रद्धालु थे जिनका साफ कहना है कि भोलेनाथ शवों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और भोलेनाथ को सब बात की जानकारी है कि उनके भक्त को क्या चीज की जरूरत है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ सुल्तानगंज।